स्वास्थ्य विभाग को लेकर विपक्ष ने कटौती प्रस्तावों के माध्यम से प्रदेश की जयराम सरकार को सोमवार को विधानसभा में घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कटौती प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ करते हुए आरोप लगाया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदमों का बजट में कोई जिक्र नहीं है। विधानसभा में सोमवार को बजट अनुमानों पर कटौती प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ढांचागत सुविधाएं जुटाने के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जानना चाहा कि बिलासपुर में एम्स और हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज पर अभी तक काम क्यों शुरू नहीं हुआ। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि मुख्यमंत्री प्रदेश के आखिरी व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं का दिया जलाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लोगों के बनाए जा रहे स्वास्थ्य कार्डों का लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने मुफ्त इलाज की सुविधा का व्यापक प्रचार प्रसार करने की भी सरकार से मांग की ताकि लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अग्निहोत्री ने राज्य के बॉर्डर एरिया में तैनात सरकारी डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर रोक लगाने के लिए तुरंत कदम उठाने और प्रदेश में चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने के मामले पर स्थिति स्पष्ट करने और आईजीएमसी व टांडा में सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए योजना स्पष्ट करने की भी मांग की। अग्निहोत्री ने यह भी पूछा कि ऊना में पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर स्थापित करने की क्या स्थिति है। वहीं विधायक अनिरुद्ध सिंह ने सरकार से मांग की कि अस्पतालों में दवाइयों की दुकानें केवल सरकारी नियंत्रण में चलाई जाएं और डॉक्टरों तथा नर्सों द्वारा इलाज के नाम पर रोगियों से मंगवाए जा रहे बेवजह सामान पर रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं। उन्होंने शिमला स्थित आईजीएमसी और कमला नेहरू अस्पताल में एक बिस्तर पर 2 से 3 रोगियों के एक साथ इलाज की समस्या को भी हल करने की मांग उठाई। विधायक सुंदर सिंह ने कुल्लू में स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ता हालत का मुद्दा उठाया और इनमें सुधार के लिए प्रदेश सरकार के साथ साथ कुल्लू, मंडी, चंबा और लाहौल स्पीति के विधायकों तथा मंत्रियों से विशेष सहयोग की अपील की। डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने चंबा शहर में मेडिकल कॉलेज भवन के नाम पर धरोहर इमारतों से छेड़छाड़ न करने का सरकार से आग्रह किया। विधायक हर्षवर्धन चौहान ने अपने चुनाव क्षेत्र में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को तुरंत दूर करने और नाहन मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि चिन्हित कर भवन निर्माण का कार्य तुरंत आरंभ करने की मांग की। कांग्रेस के विधायक जगत सिंह नेगी ने कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए विधानसभा परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जय श्री राम के नारे लगाए जाने पर एतराज जताया और इसे विधानसभा की मर्यादा के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में इससे पहले कभी ऐसे नारे नहीं लगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि उनके ध्यान में ये मामला लाया गया है और वो इसकी जांच करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने विपक्ष के कटौती प्रस्तावों के जवाब में कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही 10 मोबाइल मेडिकल यूनिट खोलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने के लिए 2000 पैरामेडिकल स्टाफ और 200 आयुर्वेदिक डॉक्टरों की शीघ्र भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य कार्ड बनाने का काम जोरों पर है और अभी तक 30,000 स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से 2.5 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से 330 दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है तथा इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। परमार ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में स्वास्थ्य बजट में 5.55% की वृद्धि की गई है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए की राशि से मुख्यमंत्री राहत कोष भी स्थापित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।